बीआरटीसी और पनबस के कच्चे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। विशेषकर महिला यात्री जो कि इन बसों में फ्री सफर करती थी, आज प्राइवेट बसों में पैसे देकर सफर करने को मजबूर हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे कच्चे कर्मचारियों ने बताया कि कल वे पटियाला जाकर मोती महल का घेराव करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने फिर भी उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में तीखे संघर्ष करने को वह मजबूर हो जाएंगे। गुरप्रीत बड़ैचा, मैं लुधियाना डिपू पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का डिपू मीत प्रधान हाँ। असं पिछले तकरीबन 12-12, 15-15 सालों तो इन महकमे के आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि असी रेगुलर होने के लिए जिहड़ियां क्वालिफिकेशनस ने जिहड़ा तजर्बा चाहिए वो सारिया योग्यतावान पूरी करते हैं। और सानू जो इन महकमे भर्ती किया गया उदों कहा गया कि तुहानूं सिर्फ 3 साल लिए आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करना पैना, उस तो बाद तुहाडियां नौकरियां जिहड़ियां रेगुलर हो जाणगियां। पर अज 15-15 साल बीत जाण दे बाद भी साडियां जिहड़ियां नौकरियां ने रेगुलर नहीं कीतियां जा रहियां, सो जिस करके सानू मजबूरी दे विच इह 28-29-30 दी जिहड़ी हड़ताल आ इहदी काल देनी पई है। साडी जिहड़ी मुख मंग आ उह इह आ कि साडियां नौकरियां रेगुलर कीतियां जाण, जिहड़ा अपना सुप्रीम कोर्ट दा फैसला गा बराबर काम बराबर तनखा उहनूं लागू कीता जावे, पंजाब रोडवेज ते पीआरटीसी दे विच जिहड़ियां बसां दी घाट आ उहनूं पूरा कीता जावे, ते जिहड़ा टाइम टेबल आ बसां दे अड्डे तों चलण दा उहनूं इकसार कीता जावे। इहदे लई सरकार जिम्मेवार आ जी, साडी तां मजबूरी बनी हुई आ, तुसीं आप समझदार हो अज इहो जी महंगाई दे दौर दे विच 8-10 हज़ार दे नाल किसी दे घर नहीं चलदे, पर असीं इन्नियां रिस्की जॉब जिहड़ी आ ड्राइविंग आ अज की डेट के सब तो रिस्की जॉब आ, असी अपनी जान तली से तरके सवेरे 4-4 बजे घरों तो निकलते हैं, सारी दिन रात अभी 24-24 घंटे भी ड्यूटी करते हैं, पर सानू तनखाह की मिलती हैगी 10-12 हज़ार। सो असी सरकार नू लंबे समय तो मंग कर रहे हैं कि जेडे बंदे योग्यता पूरी करते हैं घट्टो घट उन्हां दीआं नौकरियां जिहड़ियां ने उन्हां नू रेगुलर किया जाए, पर सरकार साडियां मंगां वल ध्यान नहीं दे रही, सो सानू मजबूर होकर आ स्टैप चुकन लई अज मजबूर हो। देखो जी, असी पिछले समय तो संघर्ष करते आ रहे हैं, बड़ियां मीटिंगां हो चुकियां नेगियां, जदों ब्रह्म महिंद्रा जिहड़े सब कमेटी के मैंबर बनाए ने, एक सब कमेटी बनाई गई आ कच्चे कामियां नूं पक्के करन दे लई, उन्हां नाल असीं बहुत मीटिंगां कर चुके हैं, पर असल दे विच जिहड़ी प्रॉब्लम आ उह इह आ कि जिहड़ी पावर आ उह कैप्टन साहब ने आपदे आप च रखी हुई आ, जिहड़े मंत्री ने इह सिर्फ रबर स्टैंप ने, इहनां कोल पावर कोई नहीं है। जेकर कोई सिट्टा नहीं निकलता तो कल 29 तरीक नूं असीं 27 दे 27 डिपू बंद करके पटियाले दे विच जिहड़ी कैप्टन साहब की रिहायश आ मोती महल उहदा घराओ करांगे। मेरा नाम जी प्रवीण कुमार, पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन डिपू लुधियाना जनरल सैकटरी। असी जी 3 दिनों की हड़ताल रखी आ 28, 29, 30 तरीक की। साडियां जिहड़ियां मंगां कच्चे कामें नूं टोटल पीआरटीसी पनबस के टोट कच्चे कामें नूं पक्का किया जाए, जेकर नहीं साडियां मंगां दा कोई हल हुंदा असीं 29 तरीक नूं पटियाला दे मोती महल नूं घेरांगे, जेकर उस तो बाद भी साडी कोई मंग नहीं मन्नी जांदी तां फिर असीं आउण वाले समय च लौंग टाइम यानी संघर्ष करके मतलब कि हड़ताल करांगे। ये देखो जी, सरकार दीआं नलायकियां, सरकार कारपोरेट घराने नूं बढ़ावा देण वास्ते कोई भी डिपार्टमेंट है जिहड़ा उहदे विच पक्की भर्ती नहीं कर रही, सारे डिपार्टमेंट कच्चे आ। असीं यही मंग करदे हां कि सारे डिपार्टमेंट च रेगुलर भर्ती की जाए। बसा चलाइए।